हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। और मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर HSSC का एग्ज़ाम डिस्कस करूंगा, जो कि ऑक्शन रिकॉर्डर का एक पेपर है। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमें कम से कम जो HSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से एक तो पैटर्न का पता चलता है और दूसरा उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करता हूँ आपके साथ। जो क्वेश्चन है वो है, किस अंग को RBC लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है कैडमियम का। उसके बाद, किस कारण से जो वर्षा की बूंदें हैं गोलीय आकार की होती हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका ऑप्शन होगा जो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, उसके बाद है, फ्रिक्शन कौन और रिपोज कौन निम्न में से किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना है, डबल टिक है, क्योंकि जो एस्पायरेंट था उसने अपने हिसाब से टिक किए हैं पेपर में, पर मैं आपको ऑफिशियल मैच्ड बता रहा हूँ जो कि आंसर की से मैच्ड है। तो नेक्स्ट है, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, ठीक है, द मोड ऑफ रेस्पायरेशन इन एम्फीबियंस क्या होती है? तो मुख से और त्वक से, लंग से, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही होगा वो होगा त्वक से। ठीक है, खाने का सोडा होता है वो क्या होता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक याद रखना, जो धोने का होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। पर यहाँ पर जो सही होगा, खाना सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल वर्षा में क्या होते हैं, एसिड रेन्स में क्या होता है? इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज भी डाली हुई, उसमें भी आप देख लेना, इंग्लिश के में मॉक टेस्ट हैं काफ़ी। नाइन्थ क्वेश्चन, आवर डैश लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड क्रूड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे कौन थे, जो पूर्वज थे, अब पूर्वज क्या होते हैं, एंसेस्टर्स। ठीक है, जो पूर्वज थे वो केव्स में रहते थे और क्रूड इम्प्लीमेंट्स का यूज करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है स्पेकुलेशन, यानी कि आई कैन ओनली स्पेकुलेट दैट ही लेफ्ट विलिंगली। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, अंदाजा लगाना, तो यहाँ पर होगा गैस करना, ऑप्शन सी। सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग, अब की बार अपोजिट मीनिंग का बताना है। ही फेस बोर ए ब्लैंक लुक ऑल द टाइम वाइल आई वॉज टेलिंग हिम अबाउट द एक्साइटिंग इंसिडेंट, कि उसने एक बोर ए ब्लैंक लुक, उसने एक ब्लैंक लुक दी बोर करने वाली, जबकि मैं उसे एक एक्साइटिंग इवेंट के बारे में बता रहा था, इंसिडेंट के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एन एक्सप्रेसिव। ठीक है, कि उसने एक एक्सप्रेसिव लुक दिया। ठीक है, उसके बाद है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, idiom फ्रेज बताना है, टू ईट वंस हर्ट आउट। तो इसका जो सही होगा, टू सफर साइलेंटली, कि चुप रहते हुए दुख को सहन करना। अब है स्पेलिंग का, तो लिटरेचर की सही है, लिटरल भी सही है, लिटरेरी भी सही है, बट जो लिटरेसी की है ये गलत है। ठीक है, जो लिटरेसी की यहाँ पर स्पेलिंग है ये गलत है, और आप इसको खुद से एक बार सर्च करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा क्या आना है। उसके बाद है अरेंजमेंट, है अरेंजमेंट किस तरह से करना है, तो इसका जो सही होगा वो होगा, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ, SRQP सीरीज है, यानी कि पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम, सबसे पहले ये आएगा, क्लेम टू हैव एनी डिसिजिव विक्ट्री ओवर इंडिया इन द
battlefield, but it has not done too badly in the publicity war. ठीक है, choose the most suitable one word. वन वर्ड आ गया, वन वर्ड के मैंने आपके साथ प्रॉपर डिस्कस किए हैं, आप एक बार YouTube वीडियो में जाकर के इंग्लिश का जो सेक्शन है प्लेलिस्ट उसमें देख सकते हैं. तो ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेड प्लेस और एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, और यही डिस्कस किया था मैंने शायद लास्ट उसमें मॉक टेस्ट में. तो एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक जगह पर अपने धार्मिक डिवोशन की वजह से जाता है पवित्र जगह पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में तो कहते हैं हम तीर्थयात्री, पर वो जो इंग्लिश में क्या कहलाता है, पिलग्रिम. 16th क्वेश्चन है, द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू ए फॉरेस्ट. अब इसमें हमें एरर बताना है, तो वो क्या है, इसमें जो सही है ये पूरा ही सही है, इसमें कोई एरर नो एरर है, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. ठीक है, कि जो मोन्यूमेंट है फेमस उसका जो रास्ता है जंगल से होकर के जाता है. सडनली सी टर्न्ड अवे डैश द विंडो एंड स्टूड डैश द ग्लास. तो इसमें प्रीपोजिशन बतानी है, तो इसमें जो सही होगी वो होगी सडनली सी टर्न्ड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास. अब एक और स्पेलिंग एरर का आ गया है, स्पेलिंग एरर के भी आते हैं, वन वर्ड के भी आते हैं, मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. आप प्लीज़ एक बार वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए और खुद से भी स्टडी करिए. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इसमें है ऑप्शन डी जो है कॉमेमोरेट, ये बिल्कुल सही है. आगे चलता हूँ आपके साथ, मैं जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज जो सेशन में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा फिर सेशन, क्योंकि जो बच्चे कहते हैं कि सेशन को छोटा करो, कई बार लॉन्ग सेशन पसंद नहीं करते. तो जो अब अगला क्वेश्चन है, छप्पे शब्द में हमें समास बताना है, तो कौन सा है द्विगु समास. निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, तो पंक्तियां आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं. तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ए वात्सल्य रस. उसके बाद निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित शब्द जो है वो है इसमें डरावना. ठीक है, जैसे इनमें तो क्या हो गया, उपसर्ग आगे लगते हैं, जो जैसे दुर्जन में दू आगे तो ये उपसर्ग है, उपगमन में उप हो गया, कुजात में कु हो गया, तो ये उपसर्ग है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूर्ण एक शब्द है. व्युत्पत्ति शब्द में संधि कौन सी है, तो इसमें जो संधि है वो ऑप्शन बी यन संधि है. उसके बाद छाती से लगाकर रखना, इसका जो सही है अत्यधिक किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव रखना. आहूत का विलोम बताना है, अब आहूत का विलोम जो होगा वो होगा अनाहूत. ठीक है, अनाहूत, आहूत का मतलब होता है बुलावा. देखो निमंत्रित आमंत्रित बुलावा ये तीनों सेम है, ये तो पर्यायवाची हो गए, तो इसका जो विलोम है वो है अनाहूत. दुहिता का पर्यायवाची होता है, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, क्या होता है पुत्री. शुद्ध वर्तनी बतानी है, सही स्पेलिंग जो है तो वो ऑप्शन सी वाणिज्यक, ये सही है. 27 क्वेश्चन नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून. इसमें बताना है जो अलंकार है वो कौन सा है, तो इसमें श्लेष अलंकार है. आपके साथ मैं कुछ दिन में हिंदी के भी नोट्स डालने वाला हूँ, तो आप वीडियो को सॉरी जो चैनल को उसको लगातार विजिट करते रहें. किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला, तो जो छोटी से छोटी बात में भी खराबी ढूंढने लगे उसको कहते हैं छिद्रा अन्वेषी. ठीक है, अब आगे है, देखो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं. एड्रेस बुक, एड्रेस बुक में क्या होता है, इसमें ईमेल भी होता है, फ़ोन नंबर भी होते हैं, पीपल के नाम भी होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है, डैश पोर्ट्स कैन कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड्स. ठीक है, तो ये जो USB पोर्ट होते हैं, स्पेशल टाइप के पोर्ट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को टू साउंड कार्ड. DNS ट्रांसलेट ए डोमेन नेम इनटू व्हाट. DNS जो डोमेन नेम है उसको किस में ट्रांसलेट करता है, तो ये करता है IP में. ठीक है, What is a Windows Explorer? तो ये क्या होता है, Windows Explorer होता है फाइल मैनेजर. देखो अगर Windows X
एक्सप्लोरर तो ये हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो तो वो होता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, और विंडोज़ होता है फाइल मैनेजर एक तरह से। कंप्यूटर प्रोसेस बाइनरी नंबर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ, बाइनरी नंबर जितने भी होते हैं वो जीरो और वन से बनते हैं, ये बात याद रखना। When was the first email sent? पहला email कब भेजा गया? 1971 में। Main memory is also known as, main memory को क्या भी बोलते हैं? Primary memory. The term CRM means, CRM का जो मतलब होता है, full form पूछिए, customer relationship management. In which year, at the rate chosen for its use in email address, email address में at the rate कब से use किया जाने लगा है? तो ये किया जाने लगा है 1972 से। आगे है, अच्छा ये तो इंग्लिश का वर्जन, हिंदी का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल्ड, जो है ईमेल कहाँ आता है? आपके मेल बॉक्स में ही तो आता है, तो ऑप्शन बी। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, जो लाइन होती हैं ऐसी बनी होती हैं ब्लैक ब्लैक, उनको क्या कहते हैं? बार कोड्स। देखो HSSC के एग्ज़ाम जो होंगे इनमें कंप्यूटर से एक से दो क्वेश्चन आएंगे ही, ये ऑक्सन रिकॉर्डर का था तो इसमें कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आए थे 10 के करीब, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा था साथ ही साथ एलिजिबिलिटी में, पर फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आप पेपर में मान के चलना कि कंप्यूटर से आएंगे। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, अच्छा मैंने डिस्कस कर लिया बार कोड्स। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, बिग ब्लू किस कंपनी का दूसरा नाम है? तो ये है IBM का, और IBM की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू सर्फ इन द इंटरनेट इज कॉल्ड, अब देखो मैंने अभी डिस्कस किया था इंटरनेट सर्फ करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, ब्राउजर करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। ए टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट, सैटेलाइट पर जो डाटा भेजना जाता है उसको क्या, उसको टर्म को क्या कहते हैं? अपलिंक। वट इज मैक, मैक क्या है? तो मैक देखो वैसे तो मैक एक कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर मेड है उसका एप्पल के द्वारा, पर इसके अलावा इसकी एक फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब जो आंसर की से तो इन्होंने यही दी हुई है, ठीक है। अब हमें मैच करना है कि कौन सा कौन से है, तो जो कनुआ का मेला है ये तो लगता है फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद के पलवल डिस्ट्रिक्ट में गौरता विलेज में कनुआ का मेला। इसके बाद है जो भक्त पूरन मल का जो मेला लगता है वो गुड़गांव में लगता है, ये सही है। सच्चा सौदा जींद में लगता है, सच्चा सौदा फेयर, और फेयर ऑफ छड़ीज स्टिक्स करनाल में लगता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये एज इट इज सही है, ऑप्शन ए। अब मैं इधर से आपके साथ डिस्कस करूँगा हिंदी में। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी है? वो 1 करोड़ है। तो अब ये बात और याद रखना, जो 2020 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो टोक्यो जापान में होने वाले हैं, टोक्यो जापान में, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो आपको ढूंढने कहाँ होने वाले हैं, क्या ये इंग्लैंड में होने वाले हैं, और अगर आपको पता है तो कमेंट भी करना। 29वें सूरज कुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन था, कौन सा था? तो 29वां पूछा, उस टाइम था चीन, और अब तक कितने हो चुके हैं? 33, ठीक है, 33 सूरज कुंड के मेले हो चुके हैं। और अब की बार जो स्टेट था, सहभागी राज्य था, वो कौन सा था? वो था महाराष्ट्र। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर है वो है हर्षवर्धन, और सॉरी मैंने आपके साथ अभी आपको 29वें में जो सही आंसर चीन बताया वो लेबनान है, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो वो थी फरीदाबाद में। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला इसमें जो है वो भिवानी है, इन चारों में। वैसे सिरसा है, नहीं सॉरी, ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2015 का, पर भिवानी से अब जो है अलग से कौन सा बना, लास्ट चरखी दादरी बना। तो इसकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा हो गया, और अब जो सबसे बड़ा है वो सिरसा है, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था हिसार से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। मोरनी पहाड़ियों का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, पॉइंट है यानी कि, तो वो है करहू पीक, करहू चोटी। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? नवंबर 1967 में। उसके बाद है, निम्न सभी काव्य से संबंधित हैं, कि सभी हैं जो ये काव्य से हैं पर एक नहीं है, वो कौन से हैं? तो वो हैं राजाराम शास्त्री। नू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मेवात के अंतर्गत। 4 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो वो की थी थारी पेंशन थारे पास। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो 22 जनवरी को 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, याद रखना, पानीपत से। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो ये सम्मानित हुए थे सर छोटू राम। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष में कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। बस 2012 में लंदन के ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो ये है जो महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत होना कि यहाँ पर कुछ लगे हुआ है, तो ये जो एस्पायरेंट था उसने डाले हुए हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ वो सही है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जीओआई अधिनियम के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1915 अधिनियम के अंतर्गत जब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों कथन बताने हैं कौन सा सही है या गलत है, जो भी। हरियाणा का एक मैदानी राज्य है, सही है बिल्कुल। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी है? 700 से 900 फीट, तो ये दोनों ही तथ्य सही हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी हिसार की। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना भी की थी अपने बेटे फतेह के नाम पर, ठीक है, फतेह के नाम पर। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो ये हुई वर्ष 1956 में। उसके बाद हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का है? तो यहाँ पर जो हरियाणा में है सबसे ज़्यादा रेतीली दोमट मिट्टी। देवी शंकर प्रभाकर किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सिनेमा से जुड़े हुए हैं। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है चंडी मंदिर से, माता चंडी का मंदिर है जो। सही सम्मिलित कौन सा है? तो ये बड़कल झील फरीदाबाद में, ये सही है। दमदमा झील है जो सुल्तानपुर में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, भिंडवास आपको सर्च करना है खुद से। नेक्स्ट है, 63वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का घोषित किया गया था? तो वो किया गया था बाहुबली को। एबल प्राइज किससे संबंधित है? गणित से। और एबल प्राइज को नोबल प्राइज ऑफ मैथ भी कहते हैं, नोबल प्राइज ऑफ मैथ्स, एबल प्राइज को। आशा योजना किससे संबंधित है? तो ये सोशल हेल्थ वर्कर से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिथिनगो, क्या लॉर्ड लिंथीगो, ठीक है, आप पढ़ लेना।
किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, समता अंशधारक, ठीक है। इसके बाद नवंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह से मेट्रो प्रभावित होने वाला मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो तब का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर इसका विशाखापट्टनम है। निम्न में से कौन सा सागर भूबद्ध है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है? तो ये है जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरल सी। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो वो कहा था उन्होंने भगवत गीता को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? कई बार एग्जाम में आया है, तो इनको किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 महीने के लिए। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो इनके जो मैं सही आंसर है वो बताता जा रहा हूँ। 79 का बी है, 80 क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन सी, 81 क्वेश्चन नंबर का है जो है वो है फटीग, थकावट की, उपवास से भूख लगने लगती है और दौड़ से थकावट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन है 82 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 83 का ऑप्शन सी सही है, खुद से करने हैं। 84 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 85 का है ऑप्शन सी। मैं इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, करवाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको खुद से करोगे तो सॉल्यूशन पता भी लगेगा और आपको आंसर मैच भी करना है कि हाँ ये सही आ रहा है या नहीं। 86 का है बी, 87 का है डी, 88 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 89 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 90 क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन डी, उसके बाद है जो 91 क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन ए, 92 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 93 का ऑप्शन सी, 94 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 95 का ऑप्शन बी, 96 का ऑप्शन सी, 97 का ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन ए, 99 का किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पाइन, यानी कि चीड़ के वृक्ष से। और पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो वो होता है पोल्स पर, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपडेट्स के लिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।